ठीक है, ये वाला चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट की हम मॉर्फोलॉजी देख रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर दरअसल नीड से इसको हटा दिया है, उतना ज्यादा मतलब नीड से नहीं हटाया, न्यू जो पोर्शन है, जो नया सिलेबस आया है, उस पोर्शन से हटा दिया है। लेकिन ऐसे अभी भी है ना, हमको नीट वगैरह के लिए तो इसको पढ़ते हुए चलना है ना, नीट के लिए पढ़ते हुए चलना है, नीट और दूसरे एग्जामों के लिए। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ऋषि का ये, हाँ ऋषि का नागर ये निकिता है क्या? ऋषि का ही निकिता है क्या? नहीं, चलो ठीक है, हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, पत्ती। ठीक है, लीफ। तो अभी तक हमने क्या चीजें देख ली, यहाँ पे स्टेम देख लिया, रूट देख लिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में देख रहे थे, तो स्ट्रक्चर देखना है हमको। हाँ बेटा, क्या है? हाँ सर, हाँ, लगा ही था ऐसा, पर डाउट भी था। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि जो पत्ती हो रही है वो यहाँ पे जो फ्लावर हो रहा है उस, या जो प्लांट हो रहा है उसका क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, बता पाओगे कुछ इसके लिए? आपने कौन सा पार्ट, सब पत्ती वाला? क्योंकि हाँ, पत्ती क्यों इम्पोर्टेंट है? वो भोजन वही तो बनाते हैं पौधे के लिए फ्लोर भोजन बनाएगी ना। हाँ, सबसे मेन चीज तो यहाँ पे यही है कि ये क्या कर रही है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रही है, जिससे ये फूड का प्रोडक्शन कर रही है, फूड का निर्माण कर रही है ना, इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सोमेटिक पार्ट है। ठीक है, कौन सा है, सोमेटिक पार्ट है। कैसे रहता है, नॉर्मली स्ट्रक्चर इसका याद रखो कि जहां पर भी स्टेम के ऊपर में जहां पर भी यहाँ जो नोड पाई जाती है, उस नोड के पास से क्या हो रही है, यहाँ पे एक हरे चपटे कलर की एक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। और ये क्या है, प्लांट का एक सोमेटिक पार्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक फूड का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, पत्ती के पास में देखो, अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ एक एक्सिलरी बर्ड निकली हुई रहती है, और ये कहाँ पर निकली रहती है, पत्ती के ही पास में निकली हुई रहती है, जिससे क्या होता है, कभी जब भी न्यू ब्रांच भी, पौधे की जो न्यू ब्रांच भी है वो भी यहाँ से निकल सकती है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे लीफ बेस रहता है। सबसे पहले क्या रहता है, लीफ बेस रहता है, जो क्या होता है, स्टेम के साथ में, या जो प्लांट की जो ब्रांच है उसके साथ में ये जुड़ा हुआ रहता है, और इसी के पास ऊपर में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जो पूरा ब्लेड है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर हो रही है, ये क्या है, यहाँ पे ब्लेड है ना, जो किसको और क्या बोलते हैं, लैमिना भी बोलते हैं, कि ये जो पूरा एरिया, ये क्या कहला रहा है, लेमिना कहला रहा है। और इसी में क्या रहती है, बहुत सारी यहाँ पे वे, पहले तो मेन एक जो रहती है वो क्या रहती है, मिडरिब्स रहती है, जो इसके सेंट्रल से चलते रहती है। उसके बाद इसमें क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेस आती है, और ये ब्रांचेस क्या कहलाती है, यहाँ पे ब्रांच वेन्स कहलाती है, और ये पूरी लिप्स में फैली हुई रहती है। फिर यहाँ पर ये जो इसका किनारा दिख रहा है, ये किनारा क्या चीज है, इसको मार्जिन बोलते हैं, है ना। और इसी में क्या चीज हो रही है, मार्जिन से क्या हो रही है, इसको लीफ मार्जिन बोल रहे हैं। अलग अलग पौधों में देखा है हमने, अलग अलग रहती है, जैसे आम की पत्ती याद करो, एकदम क्लियरली रहती है, एकदम चिकनी रहती है। ठीक है, एकदम क्लियर और चिकनी रहती है ऐसे किनारा। लेकिन वहीं गुलाब की देखो तो उसमें ऐसे फीसर्स बने हुए रहते हैं, फीसर्स बने हुए रहते हैं, ऐसे खाच खाच बनी रहती है, कटे कटे हुए रहते हैं, कुछ में ऐसे ट्रायंगुलर शेप बना रहता है, किसी में ऐसे एंगल बने रहते हैं, किसी में अलग अलग। सारी पत्तियों में क्या चीज हो रही है, ये जो मार्जिन हो रही है ये अलग अलग रहती है। फिर यहाँ पर क्या हो रही है, लीफ एपेक्स है, जो लास्ट सिरा है पत्ती का, वो क्या है, लीफ एपेक्स है। और ये भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार की प्रजाति, अलग अलग प्रकार के पौधों में क्या होता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या देखी, वेन्स देखी, तो वेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो भी कैसा रहता है, यहाँ पे अलग अलग टाइप का रहता है ना। फिर यहाँ पे ये क्या चीज हो रही है, यहाँ पे पीटियोल्स है ना, क्या पर्ण व्रंथ है, जिससे क्या हो रही है, ये ब्रांच यहाँ जो
लैमिना है ये इस स्टेम के साथ में कनेक्ट रहता है, ठीक है। अच्छा कोई यहाँ पे मेरे को एक सिंपल सी ये चीज बताएगा, ये वेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वेनिएशन क्या होता है, वेनिएशन शिराओं की व्यवस्था क्रम को, शिरा विन्यास है ना, तो दो तरह का रहता है, बताओ दो तरीके भी बता दो। एक समांतर रहता है सर और एक पैरेलल रहता है, समांतर मोनोकॉट्स में होता है, पैरेलल डाइकॉट्स में होता है। समांतर ही पैरेलल है बेटा सर, एक पैरेलल सर दो होते हैं सर, वो बता रहे हैं सर, एक जाली का वत होता है और एक समांतर रेटिकुलेट रहता है, जाली का वत है ना, और पैरेलल क्या हो गया समांतर, इसके बारे में एक और थ्योरी, एक ये पैरेलल वर्ड और एक जगह पे सुनाऊंगा, अभी जो थ्योरियां चल रही है ना, उन थ्योरियों में क्या चीज बोलते हैं कि पैरेलल स्पेस होगा, पैरेलल अर्थ होंगी, मतलब क्या हो रही, समांतर जैसे हमारी ये अर्थ है अभी, जैसे वो ब्रह्मांड की जो थ्योरियां चल रही है स्पेस को लेके है ना, उसमें बोला है पैरेलल स्पेस थ्योरी, उसमें क्या चीज बोला है कि एक लेयर ये ब्रह्मांड की हो गई, अगला ब्रह्मांड ये है और सेम दोनों कैसे एक दूसरे की कॉपी, ऐसी बहुत सारी कॉपियां हो सकती है, ये चीज में सुना है पैरेलल वर्ल्ड है ना, यही बोलते हैं है ना, ठीक है। तो दो तरह का यहाँ पर शिरा विन्यास हमको देखने को मिलता है, वेनिनेशन देखने को मिलता है, एक तो रेडिकुलेट रहता है, दूसरा यहाँ पे पैरेलल रहता है, एक जाली का वत और एक क्या है समांतर है, ठीक है। सबसे मेन चीज यहाँ पे तो ये पार्ट्स बहुत इजी है, इनके लिए कोई खास चीजें याद नहीं रखनी है, लेकिन मेन जो है ये शिरा विन्यास हमको यहाँ पर याद रखना है। तो अभी हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शिरा विन्यास देखते हुए चल देंगे है ना, ये दिख रहा है सभी को और स्ट्रक्चर है, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे शिरा विन्यास सबसे पहले क्या चीज हो रही है, जाली का वत है, ठीक है, जाली का वत शिरा विन्यास। तो जाली का वत शिरा विन्यास में क्या चीज हो रही है, सिंपल सी चीज याद याद करो, एक पीपल की पत्ती आ गई यार, यस सर, ये जो बीच ये जो फर्स्ट दिखाई दे रही है ये क्या है, यहाँ पे पीपल की पत्ती ऐसी दिखाई देती है, एक इसमें मेन ब्रांच है, फिर यहाँ पे सब ब्रांच है, फिर उस सब ब्रांच से यहाँ बहुत सारे यहाँ पे नेट जैसे स्ट्रक्चर बन गया है ना, सब जाली जाली बन गया, इधर उधर सब फिट हो गया है ना, तो ये क्या है यहाँ पे जाली का वत शिरा विन्यास है। समांतर शिरा विन्यास जैसे मोनोकॉट्स के लिए अभी बोला था, जैसे यहाँ पे बांस की सब लोगों ने देखी होंगी, गेहूं देखा होगा या घास देखी है, घास देखी है, नहीं देखी है तो आज जाके देखना है, ठीक है, यस सर, देखिए, ठीक है, घास वगैरह में हमको क्या देखने को मिल जाती है यहाँ पे, समांतर शिरा विन्यास देखने को मिल जाता है ना, ठीक है। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जाली का वत शिरा विन्यास, तो जाली का वत में भी क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप हो रहे हैं यहाँ पे, देखो ये अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक दिखाई दे रहा है जिसमें एक ही यहाँ पे सिरा है, और फिर बाद में यहाँ पे कुछ सब ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे कुछ सब ब्रांच भी निकली हुई है, और वो कैसे गई है, समांतर गई है, उसके बाद में फिर क्या हो गया उनमें यहाँ पे नेट बन गया है ना, तो एक सिरी है ना, एक सिरी या पिनिनेट बोलते हैं जिसको है ना, पिनिनेट। तो पिनिनेट में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, पिनिनेट मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, एक सीरीय जाली का वत शिरा विन्यास है ना, एक सीरीय जाली का वत शिरा विन्यास, तो ये किसमें देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पे पीपल के अंदर में देखने को मिल जा रहा है ना, तो पीपल में कैसे एक यहाँ पे मेन ब्रांच गई, फिर यहाँ पे समांतर समांतर गई, और फिर उसमें क्या हो गई, बहुत सारी यहाँ पे मिक्स हो गई है ना, और लेकिन कैसा बन गया यहाँ पे, जाल जैसा बन गया। दूसरी चीज हमको और भी इसमें देखने को मिल जाती, आम, आम का दिखाऊंगा, अमरूद, जामुन, इनकी सूखी पत्तियां देखी है ना, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फिर है यहाँ पे बहुसीरीय या क्या बोलते हैं उसको, हस्ताकार जाली का वत शिरा विन्यास है ना, प्लेमेट रेडिकुल है ना, तो उसमें क्या चीज हो रही है, जैसे प्लेमेट में हमको काय के अंदर में देखने को मिल जा रही है, जैसे कपूर हो गया, कपूर तो नहीं दिखाऊंगा, सिल्की कॉटन, क्या दिखा हुआ है, तेज पत्ता देखा, ये ऐसे, यस सर, तेज पत्ता है ना,
है ना, उसमें उसमें देखने को मिल जा रही है। उसके अलावा और क्या दिखा है? नहीं और कुछ, ये कपूर वगैरह नहीं देखे होंगे ना, कपूर हो गया, दालचीनी हो गया, तेज पत्ता देखा था, तेज पत्ता, बीर देखा है, बीर, बीर का देखा है, हस्ताकार का उदाहरण, बीर का देखा है ना, है ना, तो वो ठीक है। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ये जो बहुसीरीय हो रहा है हस्ताकार, इसमें भी क्या चीज हो जा रही है, दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के होते हैं मतलब क्या हो रहा है, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अभिसारी मतलब दूर से पास आने वाले, एक ही बिंदु पर केंद्रित होना, अभिसारी। हाँ सर। हाँ, और अपसारी मतलब दूर जाना, मतलब एक बिंदु से निकलकर। हाँ, एक बिंदु से दूर, जैसे ये वाली जो दिख रही है यहाँ पे, तो ये क्या है यहाँ पे, अपसारी, फैलते जा रही है। अभिसारी मतलब एक जगह से निकली, दूर गई और फिर से क्या हो गई, वापस में आ गई, है ना। ये जैसे यहाँ पे ये वाली दिखाई दे रही है, यहाँ से निकली थी, दूर गई, फिर वापस एक सेंटर पे आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो रही है, अपसारी में एक ही सेंटर से निकली और सारी वेन्स कहाँ जा रही है, दूर दूर जा रही है। ठीक है, जैसे कमल, कमल देखा हुआ, कमल का देखा है ना, नहीं सर। ठीक है, देखना फिर, देखा। ठीक ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप आता है पैरेलल सीरा विन्यास, है ना, पैरेलल वेरिनेशन, समांतर। तो समांतर में भी क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सीर ये हो रहा है, तो एक सीर अदरक देखिए, केला देखा है, अदरक और केला। हाँ, यस सर। केले में कैसे एक मेन ब्रांच रहती है, फिर सारी की सारी कैसे चले जाती है, उसके समान मिल जाती है लेकिन मिलती नहीं है, तो वो एक सीरी है, यूनिकॉटस पैरेलल है ना, यूनिकॉटस पैरेलल मतलब एक सीरा है और वो भी कैसी चल रही है, समांतर चल रही। बहुसीरीय में क्या चीज हो रही, मल्टीपल क्वाइटस पैरेलल में, मल्टीपल क्वाइटस पैरेलल में जैसे नारियल दिखा है, नारियल। एक है ना, नारियल में कैसे चीज हो रही है, एक हो रही है और उसके बाद में फिर उसमें से भी क्या हो रही है, बहुत सारी समांतर समांतर चलते रहती है ना। तो उसमें भी क्या होता है, अपसारी और अभिसारी होते हैं। जैसे अपसारी तो चलो क्या हो गया, नारियल हो गया, खजूर हो गया, ताड़ हो गया, है ना, ये कैसी हो गई, अपसारी हो गई। उसके बाद में अभिसारी के में समांतर सिरा विन्यास, लेकिन कौन सा अभिसारी और कौन सा बहुसीरी है, जिसमें बहुत सारी सिराए हैं, सारी समांतर है और अभिसारी भी है, तो वो किसमें देखने को मिल जाए, गेहूं, धान, गन्ना, बांस, घास, इसमें, है ना। अब ये जो नाम बताए इनके एग्जाम्पल, इनके लिए ना एक चार्ट जैसा बनाओ और उसमें नाम लिखो किस टाइप का है और उसका बस एग्जाम्पल लिख लो, है ना, एग्जाम्पल, और ओरिजिनल में उस चीज को ढूंढो और उसको देखो तो पता चल जाएगा कि कैसे रहती है। इतना ठीक है? यस सर। ठीक है। हाँ, उसके बाद आती है यहाँ पे लीफ के टाइप, है ना, लीफ के टाइप आते हैं। तो कितने टाइप की रहती है, दो बताओ, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड, है ना। तो सिंपल और कंपाउंड दो तरह की लीफ हमको देखने को मिलती है, एक सरल पत्ती और एक क्या रहती है, संयुक्त पत्ती। ठीक है, सरल पत्ती मतलब कोई एग्जांपल बता दो, जैसे नीम, 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 ना बेटा, नीम तो वो है संयुक्त पत्ती, पीपल, आम, जाम, ये सब सरल पत्ती है, इनमें कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कट वगैरह नहीं रहता है ना। और फिर लैमना, लैमना भी, और एक क्या रहती है, मेन एक्सिस रहती है और उसी से, उसी के चारों ओर में लैमना प्रेजेंट रहता है, और वो जो रहता है स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है, डायरेक्ट ही स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है ना। लेकिन जो संयुक्त पत्ती है ना, जो कंपाउंड लीफ है, उसमें जो लैमना हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसके बीच में, जैसे नीम की पत्ती याद करो, जो स्टेम हो गया, स्टेम से वो एक क्या गया, जो मिड रिब थी वो सीधी गई, उससे फिर छोटी छोटी ब्रांच निकल गई और वहां पर फिर लैमना बना हुआ है ना। तो लैमना कैसा है, कटा हुआ है ना। तो अब वो चीज क्या कहला रही है यहाँ पे, संयुक्त पत्ती कहला रही है। अगला वाला डायग्राम देखो, ये तुम जैसे नीम के लिए बोल रहे हो, तो कैसी हो रही है, ऐसी हो रही ना, उसमें एक मेन ब्रांच गई और फिर यहाँ से जो वेन है ये निकली हुई है और फिर उसके चारों ओर में यहाँ पे लैमना प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड हो गई।
अब इसमें क्या चीज हो रही है यहाँ पे कंपाउंड में पिनेटियल है ना या पिनेट पिनेट कंपाउंड ये जो टाइप दिए हुए है ये पिनेट कंपाउंड है मतलब पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां मतलब ये चीज हो रही है कि यहाँ पर क्या है छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियां मतलब बहुत सारी पत्तियां प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए याद करो ये गुलाब गुलाब की देखिए सबने गुलाब की इमली गुलाब हो गया इमली हो गया है ना नीम हो गया ये सब कैसी है यहाँ पे पिनेट कंपाउंड है ठीक है कि यहाँ पे उनमें प्रेजेंट है जो लैमिना है वो कैसा हो रहा है एक जो मिडरिब है उससे यहाँ पे गया है और लास्ट वाली इस पे भी क्या हो रही है यहाँ पे एक ऑड लीफ रहती है सबसे लास्ट वाली लीफ रहती है जैसे ये किस में हो गई गुलाब में हो गई है ना। फिर दूसरी चीज आती है इसमें एक पिच्छी संयुक्त पत्ती तो एक पिच्छी में पिच्छी तो ये सब पिच्छी हो गई है ना पिनेट हो गई कि सब में यहाँ पे ब्रांचेस है ना एक पिच्छी है इसमें ये फर्स्ट देखो गुलाब यहाँ पे जो इसका जो लास्ट एंड हो रहा है जो मिडरिब का जो लास्ट एंड है उस पर एक प्रेजेंट रहना ही रहना है ठीक है तो गुलाब ठीक है यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ है ये ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे द्विपिच्छी है मतलब जिसमें दो हो रहे हैं लास्ट वाले रीजन पे क्या चीज हो रही है दो ऐसे यहाँ पे पत्ती प्रेजेंट रहेंगी तो ये किसमें हो रही बबूल देखिए बबूल बबूल ये yes, रहती है बबूल के ना लास्ट में या ये होगी बबूल तो यहाँ पे लास्ट में दो पत्तियां रहेंगी और ये जो मिडरिब है वो एंड हो जाती है ना। फिर त्री तीन वाली त्रिपिच्छी की ये तो नहीं देखा होगा सेजान ये देखा है ऐसा कुछ पौधा जिसमें यहाँ लास्ट वाले एंड पे और रहती है और ये उसी के पास से यहाँ पे लेकिन अब इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है इसमें और इसमें है ना तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एक इधर यहाँ से निकल रही है ना जो मिड रिब है वही सीधी जा रही है लेकिन यहाँ पे क्या हुई मिड रिब जो है वो तीन ब्रांच में डिवाइडेड हो जाती है ठीक है ठीक है ये ट्राइपिनेट है ट्राइपिनेट होगी ठीक है। उसके बाद में आती है यहाँ पे बहुपिच्छकीय संयुक्त पत्ती तो मल्टीपल मल्टीपल पिनेट कंपाउंड मल्टीपल पिनेट कंपाउंड ये देखो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचें निकल जा रही है इसमें लास्ट एंड से जो भी यहाँ पे मिडरिब या जो भी यहाँ पे वेन जो गई है लास्ट में है ना उससे क्या चीज होगी बहुत सारी ब्रांचें निकल गई तो ये मल्टीपल पिनेट कंपाउंड है। जैसे धनिया 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 दिख रहा है ना गाजर धनिया का yes, देखिए ना सोप ऐसी का पौधा भी सोप का yes, भी ऐसी रहता है ना यस सर। तो ये चीज होगी अब ये सब किस में चल रही थी भाई संयुक्त में लेकिन पिच्छाकार में ठीक है पिच्छाकार जिनका पूज जैसे हो रहा था है ना। अब अगली चीज आती है हस्ताकार ठीक है पाम पामालेट है ना पामालेट है ना या पामा मेटा भी बोलते हैं इसको पामा मेटा। तो ये हस्ताकार संयुक्त पत्ती अब ये कैसे दिख रही है एक मतलब एक पूरा हाथ के जैसे दिखाई दे रही तो उसमें भी फिर एक अलग अलग होगी। पहली वाली पहली क्या है यहाँ पे कैसी दिख रही है सिंगल यूनिफोलिएट है ये यूनि एक ही है ठीक है। अगली क्या हो जाना है बताओ डाइफोलिएट हो जाना है अगली ट्राई हो जाना है अगला क्वाड्रेट हो जाना है ना क्वाड्रेट हो जाना है और ये बहुत सारी है तो मल्टीपल है ना मल्टीफोलिएट हो गई है ना बहुत सारी इसमें यहाँ पे लैमिना प्रेजेंट है लेकिन सब कहाँ से है एक ही जगह से सब कहाँ से है एक ही जगह से संयुक्त में याद रखो सारे एक ही जगह से हो रहा है ना। जैसे यूनि वाले का हम एग्जाम्पल देखे तो नींबू नींबू देखा है सबने yes, फिर उसके बाद डाई वाले का है हार्ड भी किया ये नहीं देखा है अपन लोगों ने और कोई इसका उदाहरण डाई का नहीं याद आ रहा ट्राई वाला बेल याद है बेल देखी है सबने ये नहीं देखा है बेल देखी है बेल की पत्ती देखी ना है ना सर। उसके बाद में पॉडलेट में चार वाला क्या रहता है मॉर्सिलिया ऐसा ये देखा है यार बेटा देखा है एक घास जैसा रहता है बहुत छोटा सा रहता है yes, उसमें पीले कलर के फूल आते हैं
हाँ सर देखा है ना, yes, हाँ, जो मैं बता रहा हूँ फिर सही सोच रहे हो, है ना। तो इस तरह की ये कॉर्डलेट होगी। मल्टीपल सिल्क कॉटन, मल्टीपल वाला देखा देखा है सर, मल्टीपल वाले पे शोभा के लिए लगे होते हैं बहुत सारे लोगों के घर पर ऐसे ही। हाँ वो क्या बॉम्बैक्स बोलते हैं जिसको, है ना, बहुत सारे ऐसे उसमें निकल जाते हैं, बॉम्बैक्स का पौधा बोलते हैं। सिल्क कॉटन और भी किसी ने कुछ देखा हो तो वो भी चलेगा, लेकिन ऐसी पत्तियां रहेंगी उसमें, बहुत सारी रहेंगी, है ना, ज्यादा रहेंगी। ठीक है, इतनी चीजें ठीक है, आगे समझ में? यस सर। देखिए और भी कुछ मैंने डायग्राम डाल दिए थे। ठीक है ठीक है, अब इतना ठीक है आज। हाँ सर, थोड़ा सा एक काम भी है बेटा इसलिए। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट रहता है इतनी चीजें, और इसको देखो कैसे याद करना है, नाम लिखो किस टाइप का है और उसका उसका एग्जांपल, उसका एग्जांपल। ठीक है, और अगर नाम और एग्जांपल लिख लेते हो याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो एक छोटा सा वहां पे डायग्राम भी बना लेना है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, सारे लोग क्लास का रिस्पांस कर देना, कैसे क्या रिस्पांस है क्लास के बारे में, और वही कल टाइम पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है।